तो क्वेश्चन है एक इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमें लाप्लास इन्वर्स लाप्लास निकालना है, ठीक ना, 1 बाई एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का, ओके। तो इसका लाप्लास इन्वर्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग इसका इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, ठीक ना, पार्शियल फ्रैक्शन, ये इस फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन इसका निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाई, ठीक ना, ए बाई एस स्क्वायर प्लस बी बाई, क्योंकि ये आपका क्या है, ये रिपीटेड फैक्टर है, बी बाई एस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो सी एस प्लस डी बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपका रिपीट था और यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक आ गया, तो इस तरह से हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक किया। अब सिंपली करना क्या है कि आप जैसे भिन्न का जोड़ बना देते हैं उसी तरह से आपको सिंपली इसका करना क्या है, एलसीएम ले लेना है। तो अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ओके, इस टर्म को, ये टर्म को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस, ओके, ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो ये इसका हमारा एलसीएम आ गया। अब सिंपली हम लोग करेंगे क्या, इस तरह से सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा इसका, ए एस स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस इससे क्या हो जाएगा, बी एस क्यूब प्लस बी एस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओके। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, सी एस क्यू प्लस डी एस स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, मेनली अब यहाँ पे कॉमन लेना है, तो कॉमन जैसे ए एस स्क्वायर है और एस स्क्वायर और किस टर्म में है, डी एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ठीक है, डी हो गया आपका, फिर प्लस और ए ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और किस में है, तो ओमेगा स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी है और इसके साथ एस भी है, तो ओमेगा क्या है, एक तरह से ये क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है ए ओमेगा स्क्वायर, ओके, ए ओमेगा स्क्वायर हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, प्लस और बी एस क्यूब है, क्यूब किस में है, एक आपका बी के साथ है और एक आपका सी के साथ है, तो हम एस क्यूब जो है उसको हम लोग क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ओके। फिर इसी तरह से और हम लोग देखेंगे, और हमारा कौन सा टर्म बच गया, तो हमारा बी एस ओमेगा स्क्वायर जो ये टर्म बच गया, ओके, क्योंकि एस जो है वो किसी के साथ नहीं है, एस वेरिएबल जो है वो किसी टर्म के साथ नहीं है, तो ये अकेला बच गया और ये भी एक अकेला आपका बच गया, ये कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाई में क्या है, हमारा इसके बाई में है एस स्क्वायर, फिर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे, ओके, इधर का जो टर्म है, ठीक ना, इसके न्यूमिरेटर में टर्म है और उसका कंपेरिजन किस करेंगे, इसके न्यूमिरेटर वाले टर्म से, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा न्यूमिरेटर, तो न्यूमिरेटर वाले टर्म को हम लोग कंपेयर करेंगे और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एस स्क्वायर, तो इधर कोई टर्म नहीं है एस स्क्वायर से रिलेटेड, तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। उसी तरह से ए इसका हो गया, इसको मान लीजिए फर्स्ट ए प्लस डी इक्वल टू जीरो, फिर ए ओमेगा स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, तो ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 1, ओके। तो ए का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। यहाँ से हमें ए का वैल्यू फाइंड, ए का वैल्यू जो है वो पता चल गया, ए इक्वल टू हो गया 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। फिर उसके बाद b प्लस सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोई एस क्यू
टर्म नहीं है उस साइड में, और फिर उसी तरह से बी प्लस एस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बी इक्वल टू वैल्यू क्या हो गया, जीरो, बी का वैल्यू हमारा जीरो आ गया। तो और सी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं बी जीरो हो गया तो सी भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब बी आपका जीरो हो गया और सी भी आपका जीरो हो गया, अब डी देखते हैं, ए का वैल्यू तो हमें पता चल गया है, तो ए प्लस डी इक्वल टू यहाँ क्या था, जीरो था। तो वहाँ पे अगर आप पुट कीजिएगा वैल्यू ए प्लस डी की जगह पे, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन से चारों जो भी हमारा वैल्यू था ए बी सी डी चारों का हमने पता कर लिया वैल्यू कितना होगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो हमें वैल्यू पता चला है इसका हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए इसको पुट करते हैं, तो ए की जगह पे क्या है, वन बाई ओमेगा स्क्वायर ओके इंटू एस स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में क्या था, एस स्क्वायर था। और बी का वैल्यू क्या आया था, जीरो आया था, तो जीरो बाई समथिंग इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो बाई समथिंग जीरो हो गया, प्लस जीरो बाई समथिंग जीरो सही है। इसके बाद आपका सी एस प्लस डी, तो सी भी क्या था, जीरो था, तो ये भी आपका जीरो गया। प्लस डी का वैल्यू कितना है, माइनस वन बाई ओमेगा स्क्वायर और बटा में एस स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आया फाइनल वैल्यू वो आया वन बाई ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस वन बाई ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे। तो चलिए इसका लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आया है किसका, हमारा फंक्शन क्या था, लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन बाई एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका हमारा जो वैल्यू आया वो आया क्या, ए का वैल्यू आया था वन बाई ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस, और डी का वैल्यू आ गया था वन बाई ओमेगा स्क्वायर और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही वैल्यू आया था हमारा। ये ए का हो गया और ये डी का हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग इन्वर्स लाप्लास निकालते हैं। तो इसका वन बाई एस स्क्वायर, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, वन बाई एस स्क्वायर का इन्वर्स लाप्लास क्या होता है, टी होता है, और वन बाई ओमेगा स्क्वायर वैसे ही हो गया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे देखिए वन बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो साइन होता है साइन ओमेगा टी होता है, ओके, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हमें मिल जा रहा है, ठीक ना, लेकिन ओमेगा नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला पे लाने के लिए। तो ओमेगा, फिर यहाँ पे और ओमेगा से मल्टी, तो ओमेगा क्यों हो जाएगा, फिर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा रफ है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया वो आ गया टी बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस, ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा क्यूब। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमने लाप्लास इन्वर्स निकाल लिया। तो चलिए हम लोग दूसरे मेथड से देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो अदर मेथड, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है आपका ये मेथड। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि लाप्लास, यदि अगर आप निकालिएगा कोई फंक्शन एफ टी है और यदि आप उसका लाप्लास निकाल रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से जब आप लाप्लास इन्वर्स निकालिएगा इस एफ एस का तो आपको क्या मिलेगा, एफ टी मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लाप्लास इन्वर्स निकालें एफ एस बाई एस का, ठीक ना, अगर एस नीचे में है आपका तो इसका क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है जीरो से टी और एफ यू डी यू हो जाता है। ओके, एफ यू डी यू हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन बाई
वन बाई एस स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में वन बाई एस स्क्वायर दिया था, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले हम लोग लाप्लास निकाल लेंगे, ठीक है। लाप्लास इनवर्स लाप्लास निकालेंगे किसका, वन बाई एस ओके इंटू एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में एस स्क्वायर दिया है यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पहले वन बाई एस का लाप्लास इनवर्स निकाल लेते हैं। तो इसका जो लाप्लास इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार जीरो से टी और एफ यू डी यू। तो देखिए वन बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने अभी देखा कि ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाता है, साइन ओमेगा टी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपका ओमेगा है नहीं, ठीक ना। तो अगर हम लोग इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, तो साइन ओमेगा और टी के जगह पे हमें क्या पुट करेंगे, यू पुट करेंगे, ओके। साइन ओमेगा यू डी यू और बट्टा में ओमेगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा जब हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी हम लोग क्या करेंगे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही ओमेगा आपका यहाँ पे आ गया, ओके। अब यहाँ पे करना क्या, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये ओमेगा हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको वन बाई ओमेगा को हम लोग बाहर ले आते हैं और ये जीरो से टी साइन ओमेगा यू डी यू हो गया, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो वन बाई ओमेगा साइन ओमेगा यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, माइनस कॉस ओमेगा यू, और ओमेगा क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा नीचे आ जाएगा। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, जीरो से लेकर के टी तक इंटीग्रेट करना है हमें, ओके। जीरो से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, टी तक इंटीग्रेट करना है। तो अब हम लोग वन बाई ओमेगा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो माइनस जो है इसको बाहर ले आइए, इसको माइनस बाहर कर देते हैं और इस ओमेगा को भी बाहर ले आइए, तो ये वन बाई माइनस वन बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस ओमेगा यू है, यू के जगह पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस, ठीक है। और कॉस ओमेगा यू के जगह पे जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू हो जाता है वन, ठीक है। तो ये हो गया। अब माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर में ले जा करके, तो वन बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस ओमेगा टी, यहाँ तक सही है। उसके बाद सॉरी वन माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, वन माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा जो आ गया क्या आ गया, वन बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का, ये हमारा आपका क्या आ गया इनवर्स लाप्लास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब एस स्क्वायर के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है वन बाई एस स्क्वायर के लिए, तो चलिए उसके लिए लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, अब ये हमारा फंक्शन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जीरो से टी, ठीक है, और ये हो गया वन बाई ओमेगा स्क्वायर और वन माइनस कॉस, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें डी यू के रिस्पेक्ट में ऐसी करना है, तो कॉस ओमेगा और टी के जगह पे क्या पुट करेंगे, यू पुट करेंगे, ओके। और ये हो गया आपका डी यू। फिर क्या करेंगे, उसी तरह से वन बाई ओमेगा स्क्वायर को हम लोग बाहर ले आएंगे, वन बाई ओमेगा स्क्वायर हमारा बाहर आ गया और इंटीग्रेट करेंगे जीरो से टी इसको, तो ये हो क्या हो जाएगा हमारा यू हो जाएगा, ठीक है ना। डी यू है तो डी यू को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यू हो जाएगा। चलिए मैं इसे यहीं पे शॉर्ट में कर देता हूँ, यू हो जाएगा। और कॉस डब्ल्यू यू है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन डब्ल्यू यू बाई आपका, फिर W आ जाएगा, W कांस्टेंट है, W नीचे आ जाएगा, W कहिए या फिर ओमेगा कहिए, ठीक ना। और उसके बाद इसका लिमिट पुट करेंगे जीरो से लेकर के T तक, सही है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है, एक बार फिर से मैं बता दूं, वन बाई ओमेगा स्क्वायर को मैंने बाहर लाया, फिर हमने DU यहाँ पे शॉर्ट में ही हमने क्या किया कि DU का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, और कॉस ओमेगा यू है तो इसका क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा यू
बाई और ओमेगा आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चलिए पीछे हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा टर्म आया है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ओके 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, फिर यू माइनस साइन ओमेगा यू बाई ओमेगा, यही आया था। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना था, 0 से लेकर के t तक, एक मिनट आपको आप क्लियर दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सॉरी इसका इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन सो हमने इसका कर लिया। तो अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जब आप t पुट करेंगे तो ये आपका t हो जाएगा, u की जगह पे क्या करेंगे t पुट करेंगे और माइनस साइन ओमेगा u, तो साइन ओमेगा t हो जाएगा बाई ओमेगा, तो यही इसका क्या आ गया। अब आप इसको अंदर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो t बाई क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा t बाई क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ओके। अब ये जो आंसर है हमारा, हम देखेंगे कि हमारे हमने एक और जो मेथड्स बनाया था वो दोनों आंसर मैच कर रहा है नहीं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आंसर है हमारा वो भी क्या है, टी बाई ओमेगा स्क्वायर, जो इस मेथड से हमने बनाया था टी बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा क्यूब। तो इस वीडियो में थोड़ा नॉइज ज्यादा आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी, ओके बाय।